थैंक यू। थैंक यू? तुम थैंक यू बोल रहे हो? हाँ, थैंक यू बोलना तो बनता है। हाँ, ऐसे बनता तो है। वैसे तुम्हारा भी सॉरी बोलना बनता है मुझे। मेरा सॉरी बोलना क्यों? इतना रिस्क ले लिया, शादी करवाने वाली थी मेरी उससे। अगर वो हाँ बोल देती तो, उसका अगर दिल आ गया होता मुझको तो क्या करती? नहीं, उसका दिल नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अब सबकी चॉइस मेरी जरा खराब नहीं होती ना। क्या? अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारा दिल आया मुझ पर? मतलब तुमने कहा ना कि उसका दिल मुझ पर नहीं आ सकता क्योंकि सबकी चॉइस तुम्हारी तरह खराब नहीं हो सकती, तो इसका मतलब यही है कि शायद तुम्हारा दिल मुझ पर? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं, तुमने तो भी खुद कहा कि तुम्हारा दिल। आरवी चुप हो जाओ, कुछ भी बोलते हो। मैं क्या कुछ बोल रहा हूँ, मैं तो बस वही बोल रहा हूँ जो तुमने बोला। तब तो ये हुआ ना कि तुम्हारा दिल। चुप हो गया, अब चलो ना घर चलते हैं, सबको जाकर खबर देते हैं। क्या खबर? ये कि तुम्हारा दिल। आरवी प्लीज, नेत्रा की खबर, सब लोग कितना खुश हो जाएंगे ना। सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे, तो चलो जल्दी से चलते हैं, है ना? चलो। ए, ए, रुक, निकल लिया क्या? आ जाता ना वो, मैं उसको आरवी मैं छोड़ता नहीं। अरे कोई बात नहीं, तो उसकी गलती नहीं है बेचारा, तुम उसे क्यों चिल्ला रहे हो? वो तो सही जा रहा था। सही जा रहा था? ओके, समझ गए। क्या आरवी, क्या समझ गए? आरवी क्या हुआ बताओगे? आरवी, अरे क्या हुआ, तुम नाराज क्यों हो गए? मैं नाराज क्यों होऊंगा? मैं नहीं हूँ नाराज। आरवी तुम नाराज हो? नहीं हूँ। हो? हाँ हूँ। क्या कर लोगे यार? तुम्हारे ना सब लोग सही हैं, सब लोग सही करते हैं सिवाय मेरे, मैं ही गलत हूँ। सब लोग तुम्हारे हैं, मुझे छोड़ दे। मुझे लगता है ना कि शायद तुम्हारे लाइफ में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। और क्या तुम्हारी लाइफ में मेरे लिए कोई अहमियत है कि नहीं? मतलब ये सब क्यों बोल के गए? ऐसे क्या हो गया अचानक से? पता नहीं, इतना वियर्ड है। इससे ऐसा लग रहा है कि मैं इससे ज्यादा दूसरों को इम्पोर्टेंस देती हूँ, इसलिए इसे जलन हो रही थी। जलन? सच में जलन हो रही थी? पर जलन तो तब होती जब किसी को फीलिंग्स होती है। एक मिनट, मतलब उसके दिल में मेरे लिए कुछ वही है, मेरे लिए कुछ महसूस तो नहीं कर रहे? सच में?